नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में खेत खलियान में साफ सफाई का दौर चल रहा है, जिसके चलते किसानों के द्वारा खेतों में हुई की फसल नरवाई को जलाने का काम किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो कि नियमों के अनुसार गलत है। सरकार ने इस पर पेनल्टी लगाई है। जो भी किसान अपने खेतों की नरवाई जलाएगा, उसे नष्ट करेगा, उस पर प्रति एकड़ के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। अधिकतम पेनल्टी 15,000 प्रति एकड़ है। जिसकी ज़मीन 10 एकड़ से अधिक हो, उसे 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगेगा। कलेक्टर एलैया राजा ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ऐसा कोई भी किसान जो अपने खेतों में नरवाही जलाएगा, उसी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर से ये जानना चाहा कि नरवाई नहीं जलाया तो किसानों ने नरवाई का क्या करेगा। उस पर कलेक्टर का कहना था कि उसका भूसा बनाया जा सकता है, उसे मशीन में क्रॉस करने के बाद खाद भी बनाया जा सकता है, इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध है और कोई भी किसान इसको जलाने से परहेज करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केल बैठक में सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किए हम लोग के ना, अभी ग्रुप ए में टॉफी डिस्ट्रिक्ट में हैं, बट उसको लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स में ना शिकायतें का ना संख्या ना ज़्यादा है, जैसे ना नगर निगम से लेकर ना पुलिस डिपार्टमेंट और SST डिपार्टमेंट, उनको भी निराकरण करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। एंड लास्ट टाइम हर बार कितने भी डिपार्टमेंट्स ना ये कैटेगरी में आएगा, ये ग्रेड में आएगा, उन सभी को भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने का भी निर्णय लिया है। एंड उसके साथ साथ एक कुछ डिपार्टमेंट्स ये कैटेगरी में नहीं आता है, बट काफ़ी इम्प्रूव करता है अपने ना सिचुएशन को इम्प्रूव करता है, उनको भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ना करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ आज एक इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, लगातार हम लोग ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक एक्सेल शीट पे था। अभी आज हम लोग ने एक पोर्टल है ना लॉन्च किया, पोर्टल का डेमो भी किए हैं, उसका भी हम डोमेन का सर्वर वगैरह लेंगे। नाम के लिए भी हम लोग ने एक कंटेस्ट रखा है, कोई भी हम लोग का नाम बता सकते हैं। एंड इसमें काफ़ी कुछ इश्यूज़ है ना रिजॉल्व भी हो रही है। उसके साथ डिज़ास्टर के लेकर हम लोग रिव्यू करने के लिए हर TL में रिव्यू कर रहे हैं। आज भी फायर सेफ्टी के लेकर हम लोग ने स्पेशली हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी के लेकर ना रिव्यू किए थे। उसमें अराउंड 150 हॉस्पिटल के ना परमानेंट फायर NOC होना चाहिए था, तो उसके लेकर एक मॉनिटरिंग करने के लिए आज 6 बजे ना मीटिंग कॉल किए हैं। उसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड CMHO ऑफिस और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ना लोग ना उपस्थित होंगे, आज उसको डिटेल रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ होटल्स की फायर लगातार ना इंसिडेंट्स ना दिखने में आ रही है, उसकी फायर NOC और उनकी फायर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लिफ्ट, इसके लेकर भी है ना एक नगर निगम से एक डेटा मांगा है, उसको भी हम लोग ना रिव्यू करना है ना शुरू करेंगे। एंड एक IDRN पोर्टल होता है डिज़ास्टर के लिए, सारे रिसोर्सेज का ना हम लोग ना मैपिंग करते हैं, तो उसका हम लोग लगातार 2 सप्ताह से ना अपडेट करा रहे हैं। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज है, नॉट ओनली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और प्राइवेट में हम कितने भी है ना रिसोर्सेज है, जैसे RTO में कितने भी क्रेन्स रजिस्टर्ड है, JCBs रजिस्टर्ड है, ऐसे हाइड्रोलिक मशीन्स रजिस्टर्ड है, उनकी नाम डिटेल्स है ना उसकी पूरा है ना हम लोग है ना संकलित ना कर रहे हैं, सो दैट एक्चुअली आने वाले समय पर जब भी कोई भी डिज़ास्टर होगा तो एक डेटा है ना हमारे पास है ना इमीडिएटली रहेगा। तो वो एक मीटिंग है, 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक और मीटिंग ना इस सप्ताह करेंगे। काफ़ी कुछ एंट्रीज भी हो रही है, ये लास्ट वीक के ना टाइम दिया है कि और एंट्रीज होना है तो वो करें, WRD से लेकर PWD से लेकर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स और इवन बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स हैं उनके पास है ना काफ़ी कुछ ना उपकरण ना होता है, उसको लेकर कर रहा है। और नगर निगम की फायर इक्विपमेंट्स है, फायर पुलिस की ना फायर डिपार्टमेंट है, उसमें अपग्रेड कैसे करना है, कौन सी फायर टेंडर को लेना है, उसके लेकर भी हम लोग देखते हैं फायर कार्रवाई की जाएगी। इसका ऑलरेडी नियम बनी हुई है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का है। अभी मैंने SDM लोगों को भी ना एक डायरेक्शन दिए हैं एंड उनकी कृषि एरिया के हिसाब से ना पेनल्टी लगाने का ना है। एंड हमारे पास है ना शिकायतें मिल रही थी, जैसे एयरपोर्ट के एरिया के आसपास है ना मिल रही थी, स्पेशली नाइट में ना मतलब है ना नरवाई चलाने का, इसलिए ऑर्डर जारी किए हैं, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दिया है कि वो जाएं, मतलब ऐसे कोई भी किसान ने ना कराते हुए तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा। सर, अगर वो नहीं जलाएं तो उसको नष्ट करने के लिए शासन के पास कोई योजना है? सी एक्चुअली इसमें जैसे भूसा है उनका है ना करने का भी है, मतलब है ना सारे लोगों का, एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, उनके पास है ना मशीन्स भी अवेलेबल है कि मतलब है ना बेल्स है ना बना करके उसको कैसे ना करने का है। उसके अलावा एक आजकल जैविक खेती का है ना तकनीक्स भी है, मतलब है ना उसको भूसा को कैसे उपयोग कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, मतलब है ना यही उद्देश्य है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।